Speak in English or do you want me to speak in Hindi? What do you prefer? What was your first impression of Treya Sir? I remember that I had gone to the Film Institute and asked for a special favor because I, as a student of St. Xavier's College, couldn't give my audition at the time that I had to because I was doing my final exams. And so as a special request, I was asked to travel to the Film Institute where I found this man with a completely impassive face that was not going to give me any idea about what it was that he was thinking. I remember being very intimidated by Taneja Saab because he sat there completely with no expression looking at me. And when I had to do my audition, I remember so clearly that I forgot my lines. And I said, now I've finished. Now what do I do? So immediately I made up on the spot and I said that... I remember when I was giving my audition, I forgot my lines and panicked and said, now what do I do? But I can't possibly stop. So I improvised on the spot and I pretended that this was a letter that I was reading and I couldn't quite see the handwriting. And I just went a little bit, moved from there and I said, handwriting kitni kharab hai, kuch padha nahi ja raha. And that was the moment when I looked at him and I saw a spark of interest in his eyes because he knew that I was making up. And after I finished the audition, I said, this is the end. I'm definitely going to not be selected because I've muffed up my lines and that's not what I'm supposed to do. And then to my surprise, I think it was that one act that I forgot my lines and that he saw that I had the ability to make something up right there that that showed some kind of spark that he found interesting. Mujhe ye yaad hai ki मेरी बहुत ख्वाहिश होती थी कि मैं किसी तरह से तनेजा साहब के मुंह से अपनी ज़रा सी भी तारीफ सुन लूँ. ये कभी भी नहीं होता था. और मैं ये देखती थी कि मेरी ही क्लास में एक और लड़की है जो मुझे मालूम था कि बहुत अच्छी नहीं है और उसको हमेशा बहुत इनकरेज करते थे और उससे कहते थे वेरी गुड गुड. तो एक मरतबा मैं उनके कमरे में गई और मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है. तो उन्होंने बोला अच्छा बताओ. तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक ठाक काम कर लेती हूँ लेकिन आपके मुँह से ओके के अलावा मैंने कुछ नहीं सुना. जबकि वो मेरी जो दूसरी क्लासमेट है उसको तो आती भी नहीं है एक्टिंग और आप उसको कैसे कहते हो. तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा क्योंकि तुम इससे बेहतर कर सकती हो. दैट वॉज इट. दैट वॉज द इंटरेक्शन. आई बिलीव कि आज मैं एक्टिंग को जितना समझती हूँ उसका पूरा का पूरा सेहरा तनेजा साहब के सर पे है. हालांकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ की मेरी माँ स्टेज की एक्ट्रेस हैं शौकत कैफ़ी और उसी माहौल में मैं पली बड़ी. लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं गई होती और मैंने तनेजा साहब के साथ ये 2 साल एक्टिंग के नहीं किए होते तो ये मुमकिन ही नहीं था कि आज जिस मकाम पर मैं पहुँच सकी हूँ वहाँ मैं होती. रोशन तनेजा को मैं सही मानों में अपना गुरु मानती हूँ. पूरी दुनिया में वही एक शख्स हैं जिनके पाँव में छूती हूँ. मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि प्रोफेसर रोशन तनेजा से मुझे ट्रेनिंग मिली है. उनकी जो यूनिक बात है वो सिर्फ ये है कि वो एक्टिंग क्या है वो आपको नहीं सिखाते. वो ज़िंदगी क्या है वो आपको सिखाते हैं. हमें ये याद रखना चाहिए कि हम लोग बहुत नौजवान उम्र में चाहते हैं कि हम लोग एक्टिंग करें और हमारे पास नोशंस होते हैं. हम ये समझते हैं कि इस चीज़ को एक्टिंग कहते हैं, इस चीज़ को एक्टिंग कहते हैं. और जो पहला सबक तनेजा साहब सिखाते हैं वो ये है कि एक्टिंग का ख्याल बिल्कुल छोड़ दो. यू डोंट हैव टू एक्ट, यू हैव टू बी. और वो आपको बताते हैं और ये समझाते हैं कि किस तरह से एक एक्टर के लिए कितना ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी से जुड़े रहें. क्योंकि अगर आप ज़िंदगी से जुड़े रहेंगे, इफ़ द रिसोर्स बेस ऑफ द एक्टर इज़ लाइफ इट्सेल्फ, इट्स ओनली देन दैट यू कैन फाइंड द ट्रूथ. द इंटायर स्ट्रगल ऑफ एन एक्टर शुड बी टू फाइंड द ट्रूथ. वो उन्होंने मुझे सिखाया. आज इतने दिनों के बाद जो कुछ फ्रेजेस हैं जो तनेजा साहब इस्तेमाल करते थे जो शायद उस वक्त मैं पूरी तरह से समझती नहीं थी लेकिन आज समझती हूँ. The impression of the first time. ख़ास तौर से जब आप हिंदी फिल्म में देखते हैं तो हम लोग डायलॉग बोलते हैं. हम इस तरह से बातचीत नहीं करते हैं जैसे कि एक्चुअली कॉन्वर्सेशनल ज़बान होती है. I'll say that again.
I want some water. कितने सारे फ्रेजेस ऐसे हैं जो आज भी मेरे दिमाग में चिपके हुए हैं जो तनेजा साहब इस्तेमाल करते थे, जिनका शायद उस वक्त जब मैं उनसे ट्रेनिंग ले रही थी तब मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आता है, लेकिन आज मेरी समझ में आता है. वो कहते थे द इम्प्रेशन ऑफ द फर्स्ट टाइम. दरअसल हिंदी सिनेमा में ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं तो हम लोग डायलॉग बोलते हैं, हम लोग कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं. और तनेजा साहब हमको ये सिखाते थे कि इस तरह से अपनी लाइन्स को याद कर लो कि बोलते समय पर आपको सिर्फ इमोशन पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा बजाय लाइन्स के, और आप अपनी डायलॉग इस तरह से बोलो जैसे कि आपने इनको रटा नहीं था, आपने इनको सीखा नहीं था, ये उसी तरह से कॉन्वर्सेशन हो रही है जैसे कि आप और मैं इससे बात कर रहे हैं. तनेजा साहब हमेशा कहते थे the actor is his own instrument. उस वक्त ये भी समझ में नहीं आता था, आज समझ में आता है. जब हम एक्टर्स की बात करते हैं तो सही ये है कि एक्टर्स बिल्कुल यूनिक होते हैं और एक्टर्स का इंस्ट्रूमेंट वो खुद हैं, उनका दिमाग, उनका दिल, उनका एक्सपीरियंस. अगर आप एक्टर को किसी सितार प्लेयर के साथ कंपेयर करेंगे तो सितार प्लेयर वो कितनी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द डेक्सटेरिटी ऑफ द म्यूजिशियंस फिंगर्स एज वेल एज हाउ फाइनली ट्यून्ड द सितार इज. बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट एन एक्टर इज ओनली हरसेल्फ, शी हैज हर माइंड, शी हैज अ बॉडी, शी हैज अ हार्ट एंड शी हैज एन एक्सपीरियंस, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टर टू टेक एक्चुअल स्टेप्स इन लाइफ व्हेरबाय शी कैन एक्सपेंड हर अवेयरनेस, हर ग्रोथ, हर नॉलेज ऑफ life. It was Taneja Saab who taught me that it's very important for an actor to go out, learn about painting, learn about music, learn about literature, learn about yoga, learn about anything and everything that can expand your knowledge of life. Now these are things which are far more invaluable lessons to me than actually teach you the ABC of acting. That's why I feel that Taneja Saab didn't teach me how to act. Taneja Saab taught me how to experience life. Wonderful. You actually covered most of it. Yeah. But how important is it, Shibanaji, to be trained as an actor? You know, I'm constantly asked the question, how important is training for an actor? And I'm always given examples of people like Dilip Kumar Sahab, Amitabh Bachchan ji, all of whom are very fine actors, who have not gone through any professional training. But I completely and firmly believe in training. I do not think that I would have been the actor I am had I not been trained by Roshan Taneja. Because a talented person, talent is a God-given thing. But it's like an unpolished diamond. When you go through training, then you polish the diamond and you see it in all its glory and all its sparkle. So my advice to anybody today who wants to be an actor, A, don't do it. B, if you do it, you should only do it if without doing it you would die. I worry about the fact that there are a lot of actors who today, I mean the world is full of everybody who's aspiring to be an actor, but they think it's about getting a body, it's about learning dance, and it's about going to some little training. We'll do training for a month and it'll be all over. You cannot learn acting like that. Acting is an entire dedication to the art and to the craft, for which why training is important in acting is because training helps you acquire that skill, the technique by which you can allow inspiration to flow through you. Technique and training gives you the ability to at will be able to deliver what is demanded of you. I am a firm and complete believer in training, and I want to say categorically that if you want to learn acting, there can be no better teacher than Roshan Taneja. Shabana ji, aaj jab 2 saal baad Taneja sahab ke 50 saal poore honge as an acting teacher, is mauke par aap unhe kya kehna chahenge? Main Taneja sahab ke paon chhukar उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उनको ये बात कहना चाहूँगी कि तनेजा साहब, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और मैं हमेशा अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट और ब्लेस्ड समझती हूँ कि आपका साया मेरे
सर पर रहा, आपको बहुत लंबी उम्र मुबारक।